क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है ईशा इज टेन इयर्स ओल्ड गर्ल ऑन द रिजल्ट ए ईशा एंड हर फादर सुरेश हर फादर सुरेश वे आर वेरी हैप्पी एज सी गोट फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास वेल कमिंग बैक टू देयर होम ईशा आस्क फॉर ए ट्रीट फ्रॉम हर फादर एज ए रिवार्ड फॉर हर सक्सेस दे वेंट टू ए जूस शॉप एंड आस्क फॉर टू ग्लासेज ऑफ जूस आयशा आयशा ए जूस सेलर वाज सर्विंग द जूस टू हर कस्टमर्स इन टू टाइप्स ऑफ ग्लासेस बोथ द ग्लासेज हैड इनर रेडियस थ्री सेंटीमीटर द हाइट ऑफ बोथ द ग्लाज वन ट्वेंटी सेंटीमीटर तो यहां पर जो रेडियस दे रखा है कैसा रेडियस है ये इनर रेडियस ऑफ ग्लास इक्व टू थ्री सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द बोथ ग्लासेज हाइट ऑफ ग्लास गिलास टू वन ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक तो यहां पर जो है मतलब टू टाइप्स का ग्लास है फर्स्ट टाइप का जो ग्लास है एक ग्लास विध हेमी बॉटम इसके बॉटम पर जो हेमीस्फेड टाइप का इस तरह से कुछ उठा हुआ पोर्सन है ठीक है तो ये हो गया सिंपल ग्लास ठीक इसके बॉटम पर जो है इस हेमीस्फेड टाइप का सिर्फ इस तरह से कुछ उठा हुआ पोर्सन यहाँ पर ऐसा कुछ ये दिख रहा है ठीक इस गिलास में तो इसमें जो जूस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिर्फ और सिर्फ इतना ही जगह वो कवर कर पाएगा ठीक यानी कि इतना ही अमाउंट उसमें जूस आ पाएगा तो इस तो फिर इसमें क्या आ पाएगा इतना ही अमाउंट इसमें जूस आ पाएगा यहाँ पर तो जूस आएगा ही नहीं यहाँ पर जूस नहीं आएगा ठीक जो कि क्या हैमीस्फेड टाइप का है जूस सिर्फ इतना भर में आ पाएगा तो अब जाकर के क्या करें सेकेंड टाइप का जो ग्लास है एक ग्लास विथ कॉनिकल रेज़ बॉटम ऑफ द हाइट 1.5 सेंटीमीटर सेकेंड टाइप ये था मेरा फर्स्ट टाइप ग्लास सेकेंड टाइप का जो ग्लास है उसमें इस तरह से इंड पर जो है कॉनिकल टाइप का ठीक इस तरह से कॉनिकल टाइप का बना हुआ है इसमें जो जूस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्सन कवर कर पाएगा ठीक है इतना ही अमाउंट का इसमें जूस आ पाएगा इधर इसमें तो पूरा एकदम से उठा हुआ पोर्सन है इसमें तो नहीं आएगा ठीक और इसका जो हाइट है ठीक है इसका जो हाइट है ये वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर तक का ये उठा हुआ पोर्सन है इसमें ये अब कह रहा है ईसा हैव ए जूस इन फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लास एंड हर फादर डिसाइडेड टू हैव द जूस इन सेकेंड टाइप ऑफ ग्लास ईसा जो है ईसा जो है वो फर्स्ट टाइप के ग्लास में जूस पी रही है और उसके फादर जो है वो मतलब सेकेंड टाइप के ग्लास में जूस पीने का विचार किया इसमें ठीक अब इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ द टू मतलब इस दोनों में ईसा और हर फादर सुरेश हु गोट मोर क्वांटिटी ऑफ जूस टू ड्रिंक एंड बाय हाउ मच तो इसमें से कह रहा है कि ईसा और हर फादर उस दोनों में से ठीक है कौन मतलब कि ज्यादा जूस कितना कौन मतलब कि ज्यादा जूस पी पाएंगे ठीक मतलब पियेंगे और कितना ज्यादा जूस पी सकते हैं ठीक तो मतलब यहां पर बात किया जा रहा है अमाउंट ऑफ जूस यानी कि अमाउंट ऑफ मटेरियल अमाउंट ऑफ जूस तो अमाउंट ऑफ जूस किसका फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट क्लास का अमाउंट ऑफ जूस ऑफ फर्स्ट क्लास जो कि जिसमें कि ईसा पीने का वो डिसाइड किया ठीक तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में ठीक है सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में जूस आ पाएगा तो क्या करते हैं इस पूरे ग्लास का सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं ठीक तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास जो कि सिलेंडर जो कि सिलेंडरकल टाइप का है उसमें से माइनस करते हैं क्योंकि इसका हम वॉल्यूम फाइंड किए तो इसमें तो ये पूरा पोर्शन आ गया ये वाला पूरा पोर्शन आ गया लेकिन हमको ये पोर्शन तो जूस आ नहीं रहा है इसको माइनस करना पड़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ ये कैसा है हेमीस्फेयर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर वॉल्यूम ऑफ ग्लास हो जाएगा पाए आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर हो जाएगा टू बाय थ्री पाए आर क्यू तो यहाँ से क्या करते हैं पाए आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पर एच माइनस टू बाय थ्री आर ठीक है तो अब यहाँ पर ये यह हो गया पाई रेडियस कितना है थ्री इंटू थ्री और एच कितना है वन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस टू बाई थ्री इंटू थ्री तो यहाँ पर यह हो गया है कितना नाइन पाए इंटू इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये आ जा रहा है थ्री और थ्री कैंसिल वन ट्वेंटी माइनस टू नाइन पाए इंटू वन हंड्रेड एटीन तो वन हंड्रेड एट्टीन इंटू नाइन पाए इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये आ जाएगा टेन हंड्रेड सिक्सटी टू इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब तो इसका आ गया फर्स्ट ग्लास का जो है मतलब वॉल्यूम आ गया इतना टेन हंड्रेड सिक्सटी टू पाई सेंटीमीटर क्यूब अब उसी तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं सेकेंड टाइप का जो ग्लास है उसका वॉल्यूम तो सेकेंड टाइप का जो ग्लास है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से वॉल्यूम ऑफ जूस ऑफ सेकेंड ग्लास तो इसमें फिर क्या करते हैं इस पूरे ग्लास का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास माइनस इसमें जो जूस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में जूस आ रहा है ठीक है इसमें लेकिन हम लोग अभी क्या किए इस पूरे ग्लास का वॉल्यूम फाइंड कर लें जबकि इसमें जो है इसमें ठीक है कॉनिकल पोर्शन जो इसमें जूस नहीं आ रहा है तो इसके वॉल्यूम को माइनस कर माइनस करने से लेकिन कि हम लोग जब जैसे मतलब पूरे ग्लास का वॉल्यूम फाइंड कि उसमें यह भी इन्वॉल्व हो गया जबकि इसको नहीं करना इसलिए माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पोर्सन तो वॉल्यूम ऑफ गिलास यहाँ से फिर वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ क्वनिकल पोर्सन वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर स्मॉल एच ये एच।, एच क्या होगा 1.5 जो कि ये दे रखा है ठीक इसको निकल पोर्शन का हाइट तो यहाँ से फिर पाई आर स्क्वायर कॉमन बचेगा एच माइनस वन बाय थ्री इंटू एच तो इसको फिर क्या लिखेंगे पाई इंटू थ्री इंटू थ्री एच है कितना वन ट्वेंटी माइनस वन बाय थ्री इंटू वन पॉइंट फाइव इसको अगर थ्री से कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ पर हो गया ये नाइन पाए इंटू वन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस जीरो पॉइंट फाइव देन नाइन पाए इंटू इसको माइनस करेंगे तो फिर ये हो जाएगा वन हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट वन हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट फाइव वन हंड्रेड नाइनटीन पॉइंट फाइव इंटू फाइव इंटू नाइन इंटू फाइव इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जा रहा है टेन हंड्रेड सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब तो ये आ गया सेकेंड टाइप का जो ग्लास है उसका वॉल्यूम और फर्स्ट टाइप के ग्लास का वॉल्यूम आ गया टेन हंड्रेड सिक्सटी टू फाइव सेंटीमीटर क्यूब तो इस दोनों में कौन सबसे बड़ा है तो फिर ये और कितना मतलब कि अब क्वेश्चन क्या था यहाँ पर हु गोट मोर क्वान्टिटी ऑफ जूस टू ड्रिंक तो सबसे ज्यादा मतलब जूस जो है मतलब कौन पी रहा है यहाँ पर तो सेकेंड टाइप का ग्लास जो भी कोई पी रहा है कौन सा कौन पी रहा है वो तो सुरेश ठीक है जो कि ईसा के जो कि ईसा के फादर है ठीक तो यहाँ पर हम लोग आंसर लिखें इसका ईशाज फादर मोड़ जूस ड्रिंक और कितना पी रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा माइनस कर देना पड़ेगा तो टेन हंड्रेड सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव पाई माइनस टेन हंड्रेड सिक्सटी टू पाई, टेन हंड्रेड सिक्सटी टू पाई, तो टेन हंड्रेड सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव माइनस टेन हंड्रेड सिक्सटी टू इंटू पाए सेंटीमीटर क्यूब तो इसको यहाँ से फिर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री वन थर्टीन पॉइंट फाइव पाई सेंटीमीटर क्यूब तो इतना ज्यादा वो क्या कर रहे हैं मतलब जूस पी रहे हैं ठीक है कंपेयर कंपेरिजन टू द ईसा तो ये था हम लोग का क्वेश्चन और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मैं का क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स का और एस्फेयर ऑफ डायमीटर सिक्स सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडिकल वेसल पार्टली फिल्ड विथ वाटर एक यहाँ पर एक यहाँ पर जो है मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडिकल वेसल है कुछ इस तरह से और इसमें जो है ड्रॉप्ट किया गया है? एक स्फेयर जिसका कि डायमीटर सिक्स सेंटीमीटर है तो मान लीजिए यहाँ पर एक स्फेयर है बना हुआ है कुछ इस तरह से ठीक इसका डायमीटर दे रखा है जो कि सिक्स सेंटीमीटर है और इसको जो है ड्रॉप किया गया है? इसमें ठीक इस सिलेंड्रिकल वेसल में तब ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज ट्वेल्व सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे रखा है कितना ट्वेल्व सेंटीमीटर इफ द स्फेयर इज कम्प्लीटली समर्ज इन वाटर और इसमें वाटर जो है वो भी क्या हुआ है भरा हुआ है इसमें वाटर भरा हुआ है पहले से ठीक पार्टली मतलब आधा भरा हुआ, हुआ है इसमें वाटर ठीक है ना पार्टली फिल्ट आधा भरा हुआ है वाटर मान लीजिए इतना भरा हुआ है इतना ठीक और इसमें जो समर्ज इन वाटर इसमें जो इसको सम्मर्ज कर दिया गया बाई हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन दिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वेसियल ठीक अब जाकर के पूछा जैसे इसको इसमें सम्मर्ज कराएंगे तो वाटर लेवल यहाँ तक है अभी अब जाकर के कुछ न कुछ ऊपर कुछ न कुछ हाइट तक ऊपर रेज करेगा ये यही हाइट पूछा जा रहा है ठीक है यहाँ से कितना ऊपर ये वाटर लेवल जाएगा एच यही हाइट हमसे ये पूछा जा रहा है तो मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा ठीक है इसको इसमें जैसे ही सामर्ज करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ यहाँ से क्या होगा वाटर जो होगा वो अब साइड में वाटर लेवल जो अब साइड में इंक्रीज करेगा जाएगा ठीक है मतलब इसका जो है हाइट जो है वो डिपेंड करता है इसके वॉल्यूम पर इसका वॉल्यूम कितना है तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं अच्छा कितना हाइट ऊपर जाएगा तो इसका वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर इन द सिल्ड्रिकल वेसल इक्व टू वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर देयरफोल हम देर हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ राइज इन राइज वाटर इन सिलेंड्रिकल इन सिलेंड्रिकल इन सिलेंड्रिकल वेसेल इक्व टू वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर ठीक है तो वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच देखिएगा इसका वॉल्यूम यहां से जो मतलब इस तरह से जो वाटर मान लीजिए अब यहां आ गया ठीक है तो ये भी तो एक तरह से क्या बन गया सिलेंड्रिकल टाइप में वाटर ऊपर जा रहा है ठीक तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा जितना वॉल्यूम ये अंदर आएगा ठीक है उतना ही इसका वॉल्यूम ये होगा ठीक है जिसका हाइट कितना है एच ये भी एक सिलेंडर टाइप का ही बन रहा है ठीक तो पाई आर स्क्वायर एच इक्व टू इधर से ये कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री पाए आर तो यहाँ से फिर ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा रेडियस सिलेंड्रिकल वाटर मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का रेडियस कितना इसका डायमीटर ट्वेल्व है तो रेडियस कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा और इसका रेडियस थ्री हो जाएगा तो यहाँ से ये हो गया सिक्स इंटू सिक्स इंटू एच फोर बाई थ्री इंटू और इसका रेडियस थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ये थ्री और थ्री कैंसिल हो गया तो यहाँ पर यह थर्टी सिक्स इंटू एच इक्व टू यह भी थर्टी सिक्स तो एच इक्व टू थर्टी सिक्स बाई थर्टी सिक्स वन देन एच इक्व टू वन सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर वाटर क्या होगा राइज करेगा ठीक है वन सेंटीमीटर क्यूब सॉरी वन सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर राइज uh, करेगा ये वाटर जब इसको हम इसमें समझे